गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल। आज हम लोग हिंदी का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द विचार। अभी तक आप लोग ने स्वर व्यंजन पढ़े, वर्ण पढ़े। वर्ण कौन कौन से होते हैं, कितने स्वर व्यंजन अयोग वाह ये सब वर्ण हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है। अब हम लोग शब्द विचार, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, उसी पे हम लोग का ये चैप्टर बेस्ड है, शब्द विचार मोर्फोलॉजी। आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। भाषा की दूसरी इकाई शब्द है। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा की पहली दूसरी इकाई जो है वो आपकी शब्द है, ठीक है। और हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक जी बच्चों को बताते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये अध्यापक का विचार है, जिसने शब्दों के माला से उस पिरो के उसको वाक्य बना दिया और बच्चों को कह दिया। आपने ऊपर लिखे वाक्य में पढ़ा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस वाक्य में 5 शब्द आए हैं, ठीक है। ये सभी शब्द अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। अस्तित्व मतलब अपना मीनिंग रखते हैं। इन शब्दों के द्वारा हम शब्दों के द्वारा ही अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब आते हैं शब्द के भेद। शब्द को 4 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, शब्द कहाँ से आए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। दूसरा बनावट के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। चौथा अर्थ के आधार पर। सबसे पहले उत्पत्ति, शब्द आया, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। का तत्सम शब्द, खा तद्भव शब्द, देश गा देशद और घा विदेशी शब्द। सबसे पहले बच्चों तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्रह, प्रातः, अग्नि, माता, जल, पुष्प आदि। ये सब बच्चों संस्कृत के ही शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब तद्भव क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप हिंदी में बदल लिए हैं। पहले वो संस्कृत में थे, पर अब वो अपना रूप बदल लिए, बदल कर हिंदी में प्रयोग होते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, कान, सांप, किसान आदि। किसान का तद्भव होता है कृषक, सांप का सर्प, कान का कर्ण, दूध का दुग्ध। ये सब संस्कृत शब्द थे, जब इनका हिंदी में परिवर्तन करने लगे तो वो हो गया। ये देखिए दूध का दुग्ध, मैंने अभी आपको बताया ना। ये देखिए एक तरफ तत्सम शब्द, जैसे तत्सम में सूरज को सूर्य कहते हैं, तद्भव में सूरज कहते हैं, ठीक है। ये सब डायवर्जन है। कार्य, कार्य को काम कहते हैं, ठीक। ये सब आपका दिया है। घृत, घृत का तद्भव घी। हस्त, हम लोग हस्त नहीं बोलते, हाथ बोलते हैं, तो हाथ तद्भव शब्द है। अग्नि ना बोल के आग बोलते हैं, आग तद्भव है और अग्नि तत्सम है। मयूर तद्भव है, तत्सम है, मोर तद्भव है, ठीक है। इसी तरह घट, घड़ा, नग्न, नंगा, कर्ण, कान, ग्राम, गांव। एक तरफ आपके ये तत्सम शब्द दिए हैं, एक तरफ आपके तद्भव शब्द हैं। ये जो है वो ये तत्सम है, ये वाले तद्भव हैं, ठीक है। पहले इनको संस्कृत में क्या कहते थे, अब हम लोग इनको हिंदी में कैसे बुला रहे हैं। तत्सम तद्भव हो गया। अब आ गए आपके देश शब्द। वे शब्द जो भारत की अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं,
उन्हें देशीय शब्द कहते हैं, जैसे झाड़ू, डिबिया, भात, डोरी, लकड़ी, पड़ोसी, घाट, पेट, रोटी। ठीक है, ये सब देशीय शब्द। अब विदेशी शब्द, मैं जैसे भारत में कई देशों के लोग आते रहे अपना राज्य साम्राज्य फैलाने, तो लेकिन उनकी भाषा जो थी वो यहाँ के लोगों ने अपनाते गए, उनकी आदत पड़ गई, उसको बोलते हैं कि वो विदेशी शब्द है, बाहर से आए, हमारे देश के शब्द नहीं है वो। पर उन शब्दों का भी प्रयोग इंसान बोलचाल की भाषा में कर जाता है, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द अन्य शब्दों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, अन्य देशों की, हमने बताया ना कई देश के राजा साम्राज्य यहाँ घूमने के लिए आते रहे, साम्राज्य फैलाने के लिए आते रहे, तो उनकी भाषा हिंदी भाषा में आ गई। जो शब्द अन्य देश की भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल, मशीन, डॉक्टर, पुलिस, आदमी, सिनेमा, ड्राइवर, रेडियो, सिगरेट आदि। ये सब क्या है? ये सब विदेशी शब्द हैं। ये तो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से सब शब्द आए। अब हम लोग पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, परंतु इन शब्दों के टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कमल, घर, लोटा आदि, ये सब क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द के पूछते हैं, जो शब्द अलग अलग अर्थ रखने वालों शब्दों के मेल से एक नया अर्थ बनाते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, या वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रधान, प्रधान का अपना एक अर्थ है, मंत्री का अपना अर्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री हो गया तो यौगिक शब्द हो गया। देव, धन, आलय, धन बच्चों प्लस को कहा जाता है, ये जो प्लस का मार्क लगा है, एडिशन का मार्क लगा, देव धन आलय, इसका मतलब देवालय, देव का भी अलग अर्थ है, आलय का भी अलग अर्थ है। विद्या धन आलय, विद्यालय, विद्या का अपना अर्थ है, आलय का अपना अर्थ है। इसी तरह हिमालय, तो ये सब क्या हो गए बच्चों? यौगिक शब्द हो गए। अब योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के जोड़ से मिलते हैं, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये सब? विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, नीरज, पीताम्बर, पंकज आदि। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। अब आ जाता है आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, प्रयोग विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द देखिए क्या है, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा, कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा क्या हो गया? विकारी, वो अविकारी शब्द हो गया, और बच्चे जो हैं वो अविकारी शब्द हो गए। ठीक है, इसी तरह उपयुक्त वाक्य के पहले में बच्चा, दूसरे वाक्य में बच्चे, साथ में खेल रहे हैं, खेल रहा है, खेल रहे में बदल गया।
इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। विकारी जो शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्द का रूप, लिंग, वचन और कारण के कारण कारक के कारण परिवर्तित होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अवयव शब्द भी कहते हैं। अवयव चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबोधक विशेषण, समुच्चय विशेषण, विस्मयोद्बोधक शब्द, ठीक है। चलिए आज अभी आप लोग इतना ही पढ़ लीजिए और आपका काम है आप रीडिंग करिए इस चैप्टर की 2-3 times, ओके। एंड इस चैप्टर की आप शब्द विचार की 2-3 times रीडिंग करेंगे। डू 1 page राइटिंग इन योर होमवर्क रजिस्टर। आप 1 page राइटिंग करेंगे, ओके चिल्ड्रन। गुड डे एंड स्टे हेल्दी। गुड डे चिल्ड्रन।